क्रिस्ट में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज हम यीशु के शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, जिसे हम कॉर्पस क्रिस्टी या फिर द बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस के नाम से भी जानते हैं। आज का ये जो त्योहार है, इसके तीन मुख्य भाग है। मिस्सा बलिदान का त्योहार, मिस्सा बलिदान संस्कार और यीशु की वास्तविक उपस्थिति का त्योहार, यानी कि द रियल प्रेजेंस ऑफ जीसस इन द फॉर्म ऑफ बॉडी एंड ब्लड इन द सैक्रामेंट। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाकर अपने प्रेम का परिचय दिया, और सच्चा प्रेम इसी में है कि अपना जीवन त्याग कर दूसरों को बलि चढ़ाया जाना, और ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस पर अपना जीवन बलि चढ़ाया ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिले, ताकि हमारा तारण हो, और ये प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें प्रेम करने के लिए अपने आप की बलि चढ़ाई। अगर हम आज के पाठों को देखें तो पहला पाठ और विशेषकर सुसमाचार इसी बात पर जोर देते हैं। आज का पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, और आज के पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल के साथ में एक विधान निर्धारित किया, और सब लोगों ने जब प्रभु की बातें सुनी, जब ईश्वर की वाणी सुनी, तो मूसा के साथ में सभी लोगों ने मिल करके एक वचन में उन्होंने कहा कि प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसके अनुसार चलेंगे और हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ये था लोगों का अपने ईश्वर से एक विधान। आज का जो दूसरा पाठ है, उसमें संत पौलुस कहते हैं कि यहूदी महायाजक पशुओं का रक्त लेकर वो वेदी पर छिड़कते थे, जिससे वेदी शुद्ध हो जाती थी। उसी प्रकार पशुओं का रक्त लेकर, यानी कि लहू लेकर, खून लेकर जो लोग अशुद्ध थे उन पर छिड़का जाता था, ताकि अशुद्ध लोग भी शुद्ध हो जाए। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए पुराने व्यवस्थान में इस प्रकार की बलि चढ़ाई जाती थी। पशुओं के रक्त से लोगों को पापों से मुक्त किया जाता था। नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना खून बहाकर हमें हमारे पापों से मुक्त किया है। और आज का जो सुसमाचार है, उसमें हमने सुना कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने इस संस्कार की स्थापना की है। प्रभु ने अपने स्वयं के शब्दों में कहा है कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो, यानी कि मिस्सा बलिदान, जहां पर रोटी और दाखरस जो प्रभु के शरीर में बदल जाते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं तो हमें पापों से क्षमा मिलती है। प्रश्न ये प्यारे भाई और बहनों कि क्या मैं यीशु को अपने दिल में अनुभव करता हूँ, कि वही प्रभु जिसने मेरे लिए प्राणों की आहुति दी है, मेरे दिल में परम प्रसाद के रूप में वो आते हैं। क्या मैं पवित्र सैक्रामेंट की भक्ति में पूरे दिल से
पूरे विश्वास से भाग लेता हूँ, क्योंकि वहां पर भी प्रभु यीशु ख्रिस्त उस रोटी में हाजिर है। क्या मेरा विश्वास है कि जब मैं परम प्रसाद ग्रहण करता हूँ तो प्रभु यीशु ख्रिस्त मेरे दिल में आते हैं? भाइयों और बहनों, इस त्योहार पर हमको यही शिक्षा मिलती है कि जो पहले पाठ में हमको एकता का संदेश मिलता है, जिस प्रकार से गेहूं के अनेक दानों को पीस करके रोटी बनती है, अंगूर के बहुत सारे गुच्छों को चक्की में पीस कर अंगूरी बनती है, उसी प्रकार हम सभी क्रिस्तीय भाई बहन कलीसिया के अंग होकर हम क्रिस्त में एक बन गए हैं, तो हमें एकता का संदेश मिलता है। दूसरी बात हमको ये मिलती है कि क्या मैं परम प्रसाद देने के लिए उचित तैयारी करता हूँ? क्या मैं अपने दिल को सजाता हूँ कि प्रभु मेरे दिल में आ रहे हैं? आज इस त्योहार पर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस रोटी और दाखरस जो आपका शरीर और लहू है, मुझे उसमें विश्वास करने की कृपा प्रदान कीजिए और आपको मेरे दिल में लाने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। गॉड ब्लेस यू।